हेलो गाइस, वेलकम टू माय फूडी एंड फैशन चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं कढ़ाई पनीर विथ नान। सबसे पहले मैं इसके लिए एक पैन में मस्टर्ड ऑयल 4 चम्मच डाला। उसके बाद मैंने लाइट ब्राउन पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर के फ्राई हो जाने के बाद फिर हम इसमें स्प्रिंग कट ऑनियन और कैप्सिकम को फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। इसमें नमक, सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च का ही नमक डालें। उसके बाद इसे 2 या 3 मिनट तक फ्राई करें। हल्का ये जब सॉफ्ट हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें। ये सारे खड़े मसाले को रोस्ट करके पीस लें। अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने जीरा डाला है थोड़ा सा। ये जब लाल हो जाए तो मिर्ची को ऐड करो और एक तेज पत्ता डालो। गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला मैंने। पहले से मैंने टमाटर और प्याज की प्यूरी तैयार करके रखी है। इसे ऐड करके मीडियम फ्लेम पे हम इसे तेल छोड़ने तक भूनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले जाए। मैं हम मसाले ऐड कर रहे हैं। सारे मसाले ऐड होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे जब तक तेल छूटने तक इसे भूनेंगे। अब देख सकते हैं हमारा ये साइड साइड में ऑयल निकलने लगा है। कढ़ाई पनीर की ग्रेवी ज़्यादा पतला नहीं रहता इसलिए आप इसे गाढ़ा ही रखें। अब सारी सब्जी को ऐड करेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। सारी सब्जी को डाल के हम 2-4 मिनट तक इसे साथ में भूनेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे बटर से थोड़ी सी डेकोरेट कर देंगे। चलिए अब हम नान बनाते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी प्लेन गेहूं का आटा जो डेली यूज़ होता है दोनों को ले। इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार। ईनो डालने से ये जल्दी तैयार होगा इसलिए मैंने ईनो डाला ताकि वो फूल जाए, अच्छी नान तैयार होगी। इससे ऑयल 3 चम्मच डालेंगे, इससे सॉफ्ट होता है आटा। सबको मिक्स करके इसे घिस कर हम 1 घंटे के लिए इसे ढककर ऑयल लगाकर आप इस आटा को 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये अच्छा फुला फुला इसे नान बनेगा। देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। मैं इसके नान बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने पेड़े बनाए। पेड़े बड़े साइज से बनाए, नान पतला बनाने से अच्छा नहीं लगेगा। इस पर हल्का बीच में कलौंजी और कोरिएंडर लीव्स को डालकर फिर इसे बेलें। नान को मीडियम फ्लेम पे डालकर इसे अच्छे से पकने से तेज फ्लेम पे या अंदर तक नहीं पकेगा, कच्चा रह सकता है। देखिए हमारा नान कितना अच्छा तैयार हो चुका है। कुछ सॉफ्ट इसे बटर लाए गार्निश कर। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। हमारा नान और सब्जी दोनों बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना टेस्टी देखने से ही लग रहा है।